ओके, अस्सलाम वालेकुम। सो हम वी वर डूइंग द डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिस, एंड जिसमें हम लोग ये बात कर चुके थे हाउ इज़ द मेन टेस्टिस डेवलप। अब हमने जेनिटल, उसकी डक्ट कहाँ से कैसे फॉर्म होती है एंड हाउ इट रीचेज द यूरेथ्रा टू इजेकुलेट इट अलॉन्ग इट्स प्रोडक्ट्स अलॉन्ग विद द यूरिन, वो देखते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो सबसे पहले आपको ये स्वेलिंग नजर आया, दिस इज एक्चुअली द टेस्टिस डेवलप्ड ऑन द मीडियल साइड ऑफ दिस बड़ा वाला मेसोनेफ्रॉस। ठीक है, जो बड़ा वाला पिंक है दिस इज द मेसोनेफ्रॉस पूरा का पूरा, ये जो लाइट पिंक है दिस इज द टेस्टिस डेवलप्ड ऑन द मीडियल साइड। और मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर सेमिनिफेरस कॉर्ड्स और जो ट्रेटीज टेस्टिस होते हैं, जो नेटवर्क होता है, वो तो पहले ही बन जाता है उन गोनेडल कॉर्ड्स की वजह से, लेकिन बाद में जो उसके बाद उन्हें हमने इस तरह से होता है ना कि सबसे पहले हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं टेस्टिस में, फिर वो लीड करती हैं टुवर्ड्स द रेटीज टेस्टिस, उसके बाद आते हैं हमारे पास इफ्रेन डक्ट्यूज, उसके बाद आता है एपिडिडिमस या डक्टस एपिडिडिमस जिसे कहते हैं, और उसके बाद हमारे पास मेन डक्टस डेफरेंस स्टार्ट हो जाती है। ठीक है जी, तो ये पाथवे है। अब इस पाथवे में से हमने दो चीज़ें तो ऑलरेडी बना ली। ठीक है जी, वो जो दो चीज़ें हम बना चुके हैं दैट आर द ये सेमिनिफेरस एंड रेटीज टेस्टिस। इफ्रेन डक्ट्यूज हमने कहा था कि ये साइड पे जो मेसोनेफ्रिक डक्ट पड़ी हुई है, जो पिंक वाली डक्ट है, ठीक है, ब्लू वाली नहीं, पिंक वाली डक्ट की बात करी हूँ, ये जो मेसोनेफ्रिक डक्ट है, आई एम सो सॉरी फॉर दिस फोकस, दिस समटाइम्स हर्ट्स अ लॉट। ओके, ये जो हमारे पास मेसोनेफ्रिक डक्ट है बेसिकली पिंक वाली, ये क्या करती है कि ये पिंक वाली डक्ट टेस्टिस अपने अंदर बुलाता है। ये जब इस टेस्टिस के अंदर जाती है तो हमारे पास जो रेटीज टेस्टिस पड़ा हुआ था उसके साथ ये जो इसकी इन्वेजिनेशन है ये जुड़ जाती हैं। रेटीज टेस्टिस जब जुड़ती हैं तो वो बन जाती हैं इफ्रेन डक्ट्यूल्स। फिर इसी का जो बाकी थोड़ा सा पोर्शन है, मतलब सपोज ये वाला पोर्शन इसका इधर अंदर चला गया, ये जो इसका बाकी पोर्शन है ये हाईली कॉइल्ड होकर टेस्टिस की सर्फेस पर आके लग जाता है, वो बन जाता है हमारा एपिडिडिमस। और इसी मेसोनेफ्रिक डक्ट का जो रिमेनिंग पोर्शन है, मतलब कुछ पोर्शन हाईली कॉइल होकर इसकी डक्ट पर, इसी का बाकी पोर्शन जो आके एंड हो रहे हैं इन दिस क्लोइका, क्योंकि क्लोइका ने यूरिथ्रा और यूरिनरी ब्लैडर बनाना होता है, मैं आपको बता चुकी हूँ। तो हमारे पास इसी का जो बाकी पोर्शन है वो बन जाते हैं फिर हमारी डक्टस डेफरेंस। तो इसका मतलब ये कि हमारी इफ्रेन डक्ट्यूज, हमारा एपिडिडिमस, हमारी डक्टस डेफरेंस डेवलप फ्रॉम दिस मेसोनेफ्रिक डक्ट जो हमने उस टाइम किडनी के टाइम पे बनाई थी। किडनी, अगर आपको ये नहीं पता कि क्या चीज़ है तो फिर आपको किडनी डेवलपमेंट लाजमी देख लें, उसमें ये बात सारी बताई गई। ये यूरोजेनिटल सिस्टम की डेवलपमेंट की जो वीडियोस हैं उसमें मैंने बात बताई हुई कि कैसे बनती हैं, तो ये आपको वाली वीडियो देखनी है। तो अब हमारे पास ये हो जाएगा कि इसका शुरू का पोर्शन जाके बना देगा इफ्रेन डक्ट्यूल्स, बाद वाला फिर डक्टस एपिडिडिमस और उससे आगे हमारा डक्टस डेफरेंस। अब आपको पता है कि हमारे पास इसके अलावा थोड़ी सी और चीज़ें भी होती हैं, वो क्या होती हैं, तीन ग्लैंड्स होते हैं। पहला ग्लैंड सेमिनल वेसिकल ग्लैंड्स, वो कहाँ पर हमारे पास पड़ा होगा, वो होता है जी जहाँ पर आपकी जो जब ये बन जाता है। ओके जी, सपोज करें कि दिस इज़ योर डेवलप टेस्टिस, ये जो इसके बाहर मैंने कॉइल्स बनाई, दिस इज द एपिडिडिमस एंड दिस इज द डक्टस डेफरेंस गोइंग एंड एम्प्टिंग इन दिस ब्लैडर। ठीक है जी, ब्लैडर के अंदर से वो यूरेथ्रा में एम्प्टी होती है, ब्लैडर में नहीं होती बेसिकली, ब्लैडर कह रही हूँ सॉरी, गोइंग एंड एम्प्टिंग इन टू द क्लोइका, क्लोइका का जो पोर्शन बाद में हमारे पास बना देगा यूरेथ्रा उसमें एम्प्टी होती है। जब ये बाहर एम्प्टी होने से जो इससे बिल्कुल पहले वाला पोर्शन होता है, यानी ये वाला पोर्शन, दिस पोर्शन, यहाँ पर इसकी थोड़ी सी लैटरल प्रोलिफरेशन होती हैं, ये जो लैटरल प्रोलिफरेशन है यहाँ पर बना देती है सेमिनल वेसिकल ग्लैंड। ठीक है जी, पहली चीज़ बन गई। उसके बाद ये कुछ इस तरह का सीन होता है कि यूरिनरी ब्लैडर लगा हुआ होता है और यहाँ से निकलता है यूरिथ्रा, और यूरिथ्रा के आसपास इधर आके हमारे पास खाली हो रहा होता है हमारा डक्टस डेफरेंस। ठीक है, तो ये जो पोर्शन ऑफ यूरिथ्रा है, इधर से हमारे पास कुछ लैटरल प्रोलिफरेशन होती हैं और वो हमारे पास इस डक्टस डेफरेंस को भी अपने अंदर इंक्लोज कर लेती हैं। ये जो प्रोलिफरेशन है ये बना देती हैं बेसिकली प्रोस्टेट। ठीक है, पहला एम्प्टी होने से पहले इस जगह पर बन गया था सेमिनल वेसिकल, फिर जहाँ पर वो एम्प्टी हो रहा था उस जगह वाले यूरिथ्रा की एनलार्जमेंट से बन गया प्रोस्टेट। उससे आगे फिर हम जब थोड़ा सा मजीद आगे गए हैं तो पी शेप्ड एक छोटा सा ग्लैंड होता है, दैट इज़ बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, वो थोड़ा सा और आगे जाएँ तो यूरिथ्रा की ही इन्वेजिनेशन से बन जाता है, दैट इज़ बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। ठीक है जी, तो ये हमारे पास तीन अदर ग्लैंड भी इस तरह से बन जाते हैं। अब याद रखना कि हमारे पास कोई भी ग्लैंड होगा तो उसके अंदर सबसे पहले एपिथीलियम होता है, फिर उसके बाद कुछ मसल की लेयर होती है और फिर उसका कनेक्टिव टिश्यू होता है। ये जो हर मैंने ग्लैंड बनाए हैं इनका एपिथीलियम, यही जो हमारे पास चीज़ इसको बना रही है उसी का एपिथीलियम इनके एपिथीलियम को बनाता है। यानी कि अगर डक्टस डेफरेंस की लैटरल इमेजिनेशन से बनाए तो डक्टस डेफरेंस का एपिथीलियम इसका एपिथीलियम बनाएगा, अगर यूरिथ्रा से बने तो यूरिथ्रा का एपिथीलियम प्रोस्टेट और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड का एपिथीलियम बनाएगा। लेकिन इनका जो मस्कुलर पार्ट है और जो कनेक्टिव टिश्यू है, यानी स्ट्रोमा जो है इनका, जो इनका सपोर्टिंग पार्ट है, वो बाहर वाला मेसेनकाइम बनाता है। जो सराउंडिंग एरियाज में मेसेनकाइम पड़ा हुआ होता है ना, वो बाहर आके इनके इनका बाकी सारा कुछ बना देता है। तो ये हमारे पास इस तरह से पूरी हो जाती है डेवलपमेंट ऑफ डक्टल सिस्टम भी। सो टेस्टिस तो पूरा हो गया, नेक्स्ट पार्ट से मैं आपको ओवरीज का बताती हूँ।